आगरा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर देखा गया है। मरीज के परिजनों के साथ मारपीट मामले में कार्रवाई हुई है। एसएनएमसी के विभागाध्यक्ष ने जूनियर डॉक्टर्स पर कार्रवाई है, उनकी परेड कराई है। परिजनों ने मारपीट करने वाले डॉक्टर की पहचान कर ली है। पहचान के बाद आरोपी डॉक्टर 15 दिन के लिए सस्पेंड किए गए हैं। एबीपी गंगा ने आपको बताया प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। डॉक्टर्स के साथ गुंडागर्दी की यह खबर सामने आई थी, जहां पर डॉक्टरों ने मारपीट करने वाले परिजनों ने मारपीट करने वाले डॉक्टरों की पहचान की है। इनकी पहचान होने के बाद इन्हें 15 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। तो एबीपी गंगा ने आगरा से एसएनएमसी अस्पताल से खबर को प्रमुखता से दिखाया। ये वो खबर है, ये वो वीडियो है, जहां परिजनों के साथ अभद्रता का मामला। तो देखिए, यहाँ पर आप परिजनों को परेशान हलकान देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने जूनियर डॉक्टर की पहचान कर ली है और इनके डिपार्टमेंट के एचओडी ने इनके खिलाफ एक्शन लिया है। 15 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। एसएनएमसी के विभागाध्यक्ष ने जूनियर डॉक्टर पर ये एक्शन लिया है। परिजनों ने मारपीट करने वाले डॉक्टरों की पहचान की है। परिजनों के साथ हाथापाई का ये मामला था। पूरा मामला एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया, प्रकाश में आया और अब इस पर एक्शन लिया गया है। ऐसे नहीं चलेगा कि डिपार्टमेंट में जूनियर डॉक्टर जो तीमारदार आते हैं, परिजन आते हैं मरीज के, उनके साथ हाथापाई का ये मामला था। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ पर तीमारदारों के साथ मारपीट का ये मामला आगे बढ़ने के बाद का, जहां पर एक महिला परेशान दिखाई दे रही है। जूनियर डॉक्टर पर आरोप है कि इसने हाथ उठाया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, ये बताएं कि 15 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है, किन किन की पहचान हुई है, इस पूरे मामले पर क्या डिटेल आ रही है? देखिए, एबीपी गंगा ने कल इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरह से जूनियर डॉक्टरों की लगातार दबंगई सामने आ रही है। वीडियो भी सामने आई थी। अब उस मामले में आज शिनाख्त परेड जो सीपी पाल हैं, एचओडी हैं ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के, उन्होंने कराया। उसमें लियाकत करके एक डॉक्टर है, जूनियर रेजिडेंट जी JR 3 यानी तीसरे साल के वो स्टूडेंट भी हैं मेडिकल, और कुछ एक और शैलेंद्र और एक कुछ अन्य जो जीआर हैं, उनका नाम सामने आया है। जो पीड़ित परिजन हैं उन्होंने पहचान लिया है। 15 दिन के लिए उनको सस्पेंड किया जा रहा है। इसके साथ ही उनके जो माता पिता भी पीड़ित परिवार से मिलेंगे, माफी मांगेंगे, उसके बाद ही इनको आगे कोर्ट में आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। इस मामले में ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री विभागीय मंत्री ने भी संज्ञान लिया है और आज शाम को ही प्रिंसिपल एसएनएमसी से रिपोर्ट तलब की है। आगरा प्रशासन ने भी रिपोर्ट तलब की है। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि जब एसएन मेडिकल कॉलेज या कोई भी मेडिकल कॉलेज जिसमें निम्न आय वर्ग के लोग, गरीब लोग इलाज कराने जाते हैं, जो परेशान हो जाते हैं, प्रॉपर इलाज ही नहीं मिल पाता, ऊपर से जब उनके साथ इस तरह का टॉर्चर होता है, तब चीजें बहुत ज्यादा और ज्यादा भयावह हो जाती है। और ये वीडियो वायरल हुए, उसकी बेटी को इतना मारा, पूरा पैर में स्वेलिंग है, हाथ में स्वेलिंग है, मोबाइल पूरा तोड़ दिया। और उसके पीछे की वजह ये थी कि जिस दिन बुधवार के दिन ऑपरेशन होना था, उस दिन 12,000 रुपए रॉड डालने के लिए जमा करने के लिए कहा, 6,000 रुपए का इंतजाम कर दिया था। वो 6,000 रुपए का उस मरीज की जो माँ है वो इंतजाम करने की प्रयास कर रही थी, कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट, सरकारी प्राइवेट किसी भी अस्पताल के लिए। लेकिन ये नजीर होगी, 15 दिन के लिए बस सस्पेंड किया गया है। आगे किस तरीके की कार्रवाई की जाती है, इस पर नजर रहेगी हमारी। नितिन, शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं कोलकाता। अखिलेश यादव की तस्वीरें मिल रही हैं। हमारा देश गुलाम हो जाएगा, न जाने किस गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। मैं यहाँ के कार्यकर्ता नेताओं को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस छोटे से हॉल में अगर कार्यक्रम हुआ है, कार्यक्रम जरूर छोटे हॉल में हुआ है, लेकिन फैसला बड़ा लिया है उन्होंने। हाथ में जो हम लोगों को संविधान की किताब दी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ जो संविधान दिया है, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इस संविधान को बचाने के लिए आगे आए। चाहे हमारी गिनती कम हो लेकिन हम उनके साथ खड़े दिखाई देंगे जो हमारा संविधान देश का बचाना चाहते हैं। और हमें खुशी है इस बात की कि अगर बंगाल में यहाँ की मुख्यमंत्री दीदी आदरणीय ममता बनर्जी जी लड़ाई लड़ रही हैं, तो उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी लोग भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने का काम करेंगे। इन बीजेपी के लोगों को घर वापसी का काम अगर किसी ने किया तो दीदी ने करके दिखाया। और याद कीजिए वो नारा
भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता ने क्या कहा था, किस तरह के भावना के साथ वो नारा दिया था। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं बंगाल की जनता को, उन्होंने तो केवल माइक से अपमानित करने के लिए कहा था, लेकिन बंगाल की जनता ने एक एक वोट देकर के दीदी को सत्ता सौंपने का काम किया था। मैं जनता को बधाई देना चाहता हूं। हालांकि समाजवादी पार्टी का एक अपना रास्ता है, लेकिन देश की भूमिका में, देश की राजनीति में समाजवादी पार्टी अपनी भूमिका निभाएगी। और अगर हमें संविधान बचाने के लिए कोई भी त्याग करना पड़ेगा तो हम समाजवादी पार्टी के लोग एक साथ खड़े होकर के संविधान को बचाने के लिए त्याग करने का काम करेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि बड़ी संख्या में लोग आए और हम अपने संचालन करने वाले साथी का धन्यवाद देंगे कि हमें याद नहीं था कि इस हॉल में मैं पहले भी आया था और इस हॉल में फिर आया हूं। जब इस हॉल में आए होंगे तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनी होगी। इसके बाद कभी कभी उन जगहों पर जाना भी अच्छा लगता है जो शुभ होते हैं, जो अच्छी संदेश देते हैं। हम और आप लोग तो कई ऐसी चीजें करते हैं जिससे हमें लगता है कि अच्छा हो जाए। अगर इसी स्थान से कोई संदेश अच्छा जा रहा है तो हम धन्यवाद देते हैं कि इस हॉल में दोबारा बुला करके हम लोगों को एक मौका दिया अपनी बात कहने के। लड़ाई बड़ी है, अभी लोकसभा नहीं चल पा रही है। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने हमारे दूर, भारत से दूर कहीं कोई ऐसी बात कर दी जो भारत को ठेस पहुंचा रही है। हम उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद दिलाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा और जब विधानसभा में उनके मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने समाजवाद की परिभाषा देने का काम किया, और जो परिभाषा हम लोगों ने उनके मुंह से सुनी, जिसने भी सुनी उसने ये महसूस किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान का अपमान कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि कांग्रेस के लोगों ने इंग्लैंड में जाकर के भारत का अपमान किया है तो उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी भाषण वो सुनना चाहिए जो उन्होंने विधानसभा में दिया। जो लोग भी उस भाषण के बारे में जानकारी कर लेंगे वो महसूस करेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान का उन्होंने अपमान करने का काम किया। जो लाइनें उन्होंने कहीं सदन में, वो इंग्लैंड की प्रधानमंत्री नहीं थी, उनकी अंग्रेजी लाइनों को हिंदी में कर करके सुनाया। देश में कभी कभी बवाल हो जाता है इस बात का कि लोग दूसरे के भाषण को अपना भाषण बना देते हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो योगी हैं, संत भी हैं और एक पीठ के बहुत बड़े पीठासीन भी हैं। वो अंग्रेजी भाषण को हिंदी में बोल रहे हैं केवल समाजवाद को अपमानित करने के। उस पर भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता नहीं। अभी कई पत्रकार साथी हम लोगों से कह रहे थे कि आप बंगाल में क्यों आए हैं और आखिर बंगाल में ही क्यों कार्यक्रम आप कर रहे हैं। मैं उन साथियों को कहना चाहता हूं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहते हैं कि नेताजी भी इसी शहर में आते रहे, इसी बंगाल में आते रहे, और जब कभी भी समाजवादी पार्टी का यहाँ कार्यक्रम हुआ है समाजवादी पार्टी को हमेशा नई ऊर्जा मिली है। और इस बार तो नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं, इसलिए हम समाजवादी लोग स्थान पे इसलिए आए हैं कि माँ दुर्गा का भी हम लोगों को आशीर्वाद मिले। और हमें भरोसा है कि इन लोगों ने, जिन्होंने संविधान को खत्म करने का कोशिश की है, उनका हम लोग मुकाबला करेंगे। और अगर हम चीजें पीछे मुड़ करके देखें तो बताओ महंगाई कहाँ पहुंच गई है, डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है, सिलेंडर गैस का कहाँ पहुंच गया, आज हर जरूरत की चीज महंगी हो रही है। ये बीजेपी के लोग बड़ा खुश होकर के कहते थे कि देश की आर्थिक नीतियां उन्होंने ऐसी बनाई है कि उनका एक उद्योगपति जो मित्र है वो दुनिया में दो नंबर पर पहुंच गया है। आज बताओ वही दो नंबर वाला उद्योगपति
किस नंबर पर पहुंच गया। हालांकि जो हिंदी जानते होंगे वो जानते होंगे कि दो नंबर ही हमेशा खराब बात होती है। बताओ वो दो नंबर वाले लोग आज किस स्थान पर पहुंच गए। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो एक बार बीजेपी की सरकार के एक लोगों ने हमारे यहाँ एक को जेल भेज दिया था, और इसीलिए जेल भेजा था कि वहां पर जो सरकारी कर्मचारी है उनके प्रोविडेंट फंड को एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया था और वो प्राइवेट कंपनी डूब गई थी। डूबने के कारण सरकार का पैसा डूबा। बीजेपी की सरकार ने उस समय के उन अधिकारियों को जेल भेजने का काम किया। मैं उन्हीं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो दो नंबर पे तुम्हारे उद्योगपति थे वो आज किस नंबर पर पहुंच गए हैं, और सरकारी संस्थाओं का पैसा उसी कंपनी में इन्वेस्ट हुआ था, LIC का पैसा इन्वेस्ट हुआ, आपका भारत की बैंकों का सबसे बड़ी बैंक का पैसा इन्वेस्ट हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी को जेल भेज सकती है तो बताओ दिल्ली में बैठे लोगों को किसको जेल में भेजोगे आप। और फिर आप तो विपक्ष के लोगों के लिए तो आपके पास ED, CBI, इनकम टैक्स है, और अगर आपके साथ कोई आ जाए तो उसके लिए आपने कोई नई वैक्सीन क्रीम बनाई है। ये जो बीजेपी की वैक्सीन जो लगवा लेगा उसे न ईडी न CBI न इनकम टैक्स कोई परेशान नहीं करेगा। ये वही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पूरे देश में वैक्सीन का काम कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। ये सच है कि जो जो सरकारें थी बड़ा काम किया कुछ सरकार ने, यहाँ दीदी ने बहुत अच्छा काम किया, और अब इनके पास नई वैक्सीन है। जो बीजेपी में जाएगा उसको वैक्सीन लगा देंगे, उसके बाद न ईडी न CBI न इनकम टैक्स, ये बीजेपी की वैक्सीन है। इसलिए मैं इस मौके पर दादा का धन्यवाद देता हूँ कि समाजवादियों को नई ऊर्जा देने का काम किया है। बंगाल में आकर के उन्होंने और बुला करके, और मैं अपने कार्यकर्ताओं को जो नीचे बैठे हैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ, ऊपर हमारे जो बालकनी में बैठे हैं मैं उनका विशेष धन्यवाद देता हूँ, जो एयरपोर्ट पर पहुंच करके स्वागत में आए थे उनको भी बहुत बहुत बधाई। लेकिन देश की बड़ी लड़ाई है, इस बड़ी लड़ाई में हम लोग साथ देना चाहते हैं, इस बड़ी लड़ाई में हम लोग किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, चाहे हमारे एक वोट की मदद हो, लेकिन हम एक वोट को संविधान को बचाने के लिए डालना चाहते हैं। बात करें कानपुर से आई खबर की, कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस पर भड़के इरफान सोलंकी। तस्वीरें आई जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी ने पुलिस पर जमकर भड़ास निकाली। इरफान सोलंकी ने पुलिस पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया, पुलिस पर जानवर जैसा बर्ताव करने का आरोप लगाया। इसके अलावा कहा मेरा वकील मेरा अल्लाह है, इरफान सोलंकी ने यह कहा, और इसके साथ अगर इस्तीफा लेना चाहते हैं तो अभी इस्तीफा ले लीजिए। मीडिया से बोले इरफान सोलंकी, आप लोग क्यों आते हैं मुझसे बात करने, जब आप लोगों से भी धक्का मुक्की होती है तो क्या कहा जाए। तो कुल मिलाकर के एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा नजर आया इरफान सोलंकी के आज के बर्ताव। और जब तक ऊपर वाला है मेरे साथ इंसाफ हो गया, अब धक्का की तो यार इनके खिलाफ तुम लोग नहीं चलाते, ये धक्का क्यों मारते रहते पुलिस वाले। हम विधायक है, अपराधी है, आतंकवादी है क्या हम? ये हमेशा देखो धक्का मारते थे, वो देखो गला पकड़ लेंगे। ये यार तुम लोग कभी इनके खिलाफ नहीं चलाते हो, ये पुलिस वाले बदतमीजी करते ये क्यों नहीं चलाते हो? तुम लोग विधायक है, हम क्या है, धक्का मारा करते हमें चल रहा है भाई बात ना कर। यार तुम लोग क्यों आते हो जब बात नहीं करने देते, क्यों बुलाते हो तुम लोग को, ये क्यों नहीं इनसे बात करते हो? यार ये धक्का मारा करते हमें, हम आदमी है जानवर है, बंदर हो गए हम, गधे हो गए भैया। इस्तीफा लेना, देखिए इनको इस्तीफा चाहिए, मैं इस्तीफा देने को तैयार है, इस्तीफा ले ले हमसे, क्यों हमें परेशान कर रहे हैं ये? कल इस्तीफा लेना चाहे आज ले ले, अभी ले ले, बिल्कुल एक ही मकसद एक ही काम। अरे चाहे किसपे डाल दे भाई। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको कानपुर, हमारे सहयोगी रतीश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज की जो तस्वीरें आई हैं उसमें साफ तौर पर रतीश देखा जा सकता है पुलिस पे गुस्सा निकाल रहे हैं, मीडिया पर गुस्सा निकाल रहे हैं, और अपने इस्तीफे की बात कर रहे हैं, यानी तीसरे एंगल से वो भी ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी करना चाहते हैं कीजिए और मुझे मुक्ति चाहिए। कुल मिला के बॉडी लैंग्वेज वर्ड से ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, प्रेशर काफी लग रहा है।
बिल्कुल सही कहा सुनीता आपने कि बॉडी लैंग्वेज यही बताती है कि पूरी तरीके से टूट चुके हैं। उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने साफ तौर पर यह मान लिया है मीडिया के सामने और कैमरों के सामने रो रो करके फूट फूट करके और कहा है कि इतना ज़्यादा परेशान कर लिया गया है कि पूरा परिवार टूट गया है। इरफान सोलंकी की अगर बात करें तो कोर्ट में पेशी आज थी और गैंगस्टर मामले को छोड़ करके सात अन्य मामलों में पेशी हुई और उसमें डेट्स पड़ गई हैं 20, 25 और 29 तारीख डेट्स पड़ी हैं। कस्टडी रिमांड बढ़ गई है 29 तारीख तक। लेकिन जब वो कोर्ट से ले जाए जा रहे थे तो अमूमन इस तरीके का होता है, पिछली कई डेट्स में हमने देखा है कि पुलिस उनको जल्दी से अपनी सुरक्षा में गाड़ी के अंदर ले जाने की कोशिश करती है। पिछली बार मीडियाकर्मियों से धक्का मुक्की हुई थी और इरफान सोलंकी ने उसका भी विरोध किया था, लेकिन इस बार इरफान सोलंकी जब गाड़ी में बैठाए जा रहे थे उस वक्त फिर धक्का मुक्की हुई और उसी पर फूट पड़े और ये तक कह डाला कि अगर इस्तीफा लेना है, ये पूरा मकसद उन्होंने साफ किया कि अगर मकसद यही है कि इस्तीफा लेना है तो ले लो इस्तीफा, आज ले लो, अभी ले लो, इसी वक्त इस्तीफा दे देंगे, यानी पूरी तरह से टूट चुके हैं। आप समझिए महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट तक लाए जाने का जो समय है वो करीब 8 घंटा एक तरफ का है, 8 घंटे एक तरफ, 8 घंटे दूसरी तरफ, 16 घंटे का सफ़र करते हैं। इरफान सोलंकी को बहुत करीब से देखा है मैंने, इरफान सोलंकी लग्जरी गाड़ियों से चलते थे, लग्जरी लाइफ जीते थे, एक अलग तरह के विधायक थे और ऐसे में अब जब वो पुलिस की गाड़ी में अभिरक्षा में लाए जाते हैं परेशानी बेहद होती है। जब जेल में आपको समय काटना पड़े, 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है इरफान सोलंकी जेल में है और छूट की कोई आस और उम्मीद नहीं दिख रही, उनके वकील लगातार बदले जा रहे हैं, पहले जो वकील थे वो बदले गए दूसरे वकील पर, आज हमने देखा कोर्ट परिसर में इरफान सोलंकी का पूरा परिवार जो वकील था उस पर फूट पड़ा कि अभी तक जमानत क्यों नहीं मिल रही। 8 मामले जो पिछले 3 महीनों में 4 महीनों में लगाए गए हैं उनमें किसी में कोई उम्मीद नहीं है, आस नहीं है, ना तो लोअर कोर्ट से ना ही हाईकोर्ट से कोई उम्मीद जताई जा रही है या मिलती हुई दिख रही है। तो ऐसे में पूरा परिवार बिल्कुल सदमे में है, फूट पड़ा रोते हुए, उसकी माँ, इरफान सोलंकी के भाई, इरफान सोलंकी की माँ, इरफान सोलंकी के बच्चे, पत्नी सभी रो रहे थे और इरफान सोलंकी को देख करके उनकी भी बॉडी लैंग्वेज को समझा जा सकता है कि वो लगातार ये कह रहे हैं कि अल्लाह के न्याय पर उनको भरोसा है, पूरी तरह से टूटे हुए हैं और अब तो इस्तीफे का ऐलान कर गए हैं। पिछली बार जब आते थे तो शेर व शायरी के अंदाज में बोलते थे लेकिन इस बार सीधे तौर पर ऐलान किया कि परेशान मत करो, धक्का मुक्की मत करो, मैं एक विधायक हूँ, कोई अपराधी आतंकवादी नहीं हूँ, अगर इस्तीफा लेना है तो इस्तीफा ले लो लेकिन परेशान ना करो, ना तो मुझको ना ही मेरे परिवार को। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं कानपुर से, शुक्रिया रतीश तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।